क्या आपको पता है कि कैसे अपने सिलेबस को तेजी से खत्म करें और अच्छे मार्क्स लेके आए? अगर आपको अपने सिलेबस को बहुत ही तेजी से खत्म करना है तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आप हर एक चीज पढ़ नहीं सकते। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान एक साल में 5,000 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, और पढ़ भी ले तो उसको याद नहीं रख सकता। तो इसीलिए आपको कोशिश नहीं करनी कि हर एक चीज आप पढ़ें, ए टू जेड अपने सिलेबस का बुक में जो चीज लिखी है उसको पढ़ें। मैं आपका ध्यान एक तरफ और लेके जाना चाहता हूँ कि लेस इज मोर। दैट मीन्स कि कम पढ़ो और ज्यादा परफॉर्म करो। जनरली हमारे साथ क्या होता है कि हम खूब सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, खूब सारी बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं, नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, बट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? उससे क्या होता है कि बहुत ओवरलोड दिमाग को हो जाता है, क्या क्या पढ़ लें उस चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज से आपको क्या करना है कि जो भी अननेसेसरी नोट्स है, बुक्स है, उसको हटा दो, और आपको वही कंटेंट रखना है, थोड़ा कंटेंट रखना है वो भी कि जो आपको लगता है यूजफुल है, राइट? तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपने ज्यादा ज्यादा कंटेंट इकट्ठा कर लिया तो आपके दिमाग पे एंजाइटी आ जाएगी, राइट? आपके दिमाग पे एक प्रेशर आ जाएगा कि क्या करूं क्या क्या ना करूं। तो इसीलिए चीजों को एकदम मिनिमाइज कर दीजिए, कंटेंट को मिनिमाइज कर दीजिए, अपने सिलेबस को भी मिनिमाइज कर दीजिए। इस तरीके से देखिए, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कैसे कम सिलेबस को कवर करके आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स ले पाएंगे, या दूसरे शब्दों में ये मैं कहना चाहता हूं कि कम एफर्ट में आप कितना ज्यादा रिजल्ट ला पाएंगे, ये बताने वाला हूं। देखिए, ये पॉसिबल है। एक रूल होता है जिसे हम 80-20 रूल कहते हैं, और ये 80-20 रूल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं हम पैरेटो। क्या? पैरेटोस प्रिंसिपल। अब ये कैसा प्रिंसिपल है? आज से 100 साल पहले इस प्रिंसिपल का डेवलपमेंट हुआ था। एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने 100 साल पहले एक ऑब्जर्वेशन की थी, एक एनालिसिस की थी। दैट मीन्स कि एक रिसर्च किया था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो 80% जो पैसा है, या कह लो लैंड है पूरी दुनिया की, वो 20% लोगों के पास है। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो 20% मूवीज होती हैं सिनेमा घर की, वो 80% रेवेन्यू जनरेट करती हैं और मूवीज के कंपैरिजन में। और उन्होंने ये भी देखा कि दुनिया के 20% क्रिमिनल्स दुनिया में होने वाले 80% क्राइम्स को अंजाम देते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि किसी भी शॉप में रखे हुए 20% प्रोडक्ट उस शॉप को 80% रेवेन्यू देते हैं। तो ये रूल हर जगह अप्लाई होता हुआ उन्होंने देखा, और सेम यही रूल हमारे एग्जाम में भी अप्लाई होता है। बट आप लोग ये कहेंगे कि सर, कि मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम लोग 20% सिलेबस कवर करके 80% मार्क्स लेके आएंगे। मैं एग्जैक्टली तो ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक बात तो जरूर है कि 40-50% सिलेबस कवर करके आप 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ये पता करना होगा कि 40-50% सिलेबस वो कौन से जो आपको 70-80% मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, और इस तरीके से कम एफर्ट में आप ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ बच्चे कहना चाहेंगे, सर क्या आप कहना चाहते हैं कि हम पूरा 100% सिलेबस ना करें, या फिर सर आप ये कहना चाहते हो कि हमें 100% मार्क्स स्कोर करना नहीं है, या हम नहीं चाहते कि 100% मार्क्स स्कोर करें? मैं बिल्कुल चाहता हूँ आप 100% मार्क्स स्कोर करें, बट अभी हमें क्या करना है, स्टडी का या लर्निंग का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज करना है। मतलब कि सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पहले ऑब्टेन कर लें। मतलब कि अगर आप 40-50% सिलेबस वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर पाते हैं और जान पाते हैं कि जो आपको 70-80% मार्क्स देंगे, तो सबसे पहले आपको उनको करना चाहिए। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो और आगे सिलेबस करिए, ताकि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाए अपने अकॉर्डिंग और 100% मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है? तो हम बात इस लेक्चर में यही बात करने वाले हैं कि ये 40-50% चीजें हम पहले कैसे जाने कि ये टॉपिक कहाँ से आने वाले हैं, या कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। अब देखिए, जब मेन चैलेंज है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक या कौन सा सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं बात कर रहा था 40-50%, वो कौन सा सिलेबस है जो आपको 70-80% मार्क्स देके जाएगा, राइट? तो
कुछ मैं टिप्स शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे आपसे, ताकि आप वो टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक जान पाए कि वही आपको 70 to 80% मार्क्स दिलाएंगे, राइट। तो हम बात करते हैं टिप नंबर वन की, कि सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने सिलेबस पे, मतलब कि जो भी आपका सिलेबस डिफाइंड है उस पे ही स्टिक रहना है, जो भी आपके बोर्ड बोर्ड के एग्जाम में डिसाइड किया गया है। ऐसा नहीं करना है कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लग जाए, वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा, राइट। तो सबसे पहले स्टिक टू आपको सिलेबस रहना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको कम से कम लास्ट के 10 साल के पेपर का एनालिसिस करना है। जब उसको एनालिसिस करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते आए हैं, और आपको ये भी अंदाजा लगेगा, आइडिया लगेगा कि किस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पोर्शन से क्वेश्चन आते गए हैं अभी तक। तो ये पैटर्न आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आपके स्कूल और कोचिंग में जो भी टेस्ट होते हैं उनको रेगुलरली अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखिए कि जो ये टेस्ट होते हैं आपके एक्सपीरियंस टीचर बनाते हैं, जिनको सालों सालों का अनुभव होता है, तो उनको पता है होता है कि बोर्ड के एग्जाम का क्या पैटर्न है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कह लो कि टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते आए हैं, तो उसी हिसाब से पेपर को फ्रेम करते हैं, सेट करते हैं। तो अगर आप ऐसे एग्जाम देते हैं, ऐसे टेस्ट देते हैं जो आपके स्कूल या कह लो कोचिंग कराते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप उनको नोट कर सकते हैं और बाद में उसी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। लास्ट चीज जो आपको करनी है, जो सैंपल पेपर रिलीज किए जाते हैं किसी भी बोर्ड के द्वारा, लाइक जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है 10th और 12th का, तो सीबीएसई भी एक सैंपल पेपर रिलीज करती है। तो उसमें क्या होता है, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या रहती है कि वो जो बोर्ड है वो अपना एग्जाम पैटर्न को रिलीज करता है, मतलब वो दिखाता है किस पैटर्न पे एग्जाम आने वाला है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको पता चलता है। इसके अलावा उस सैंपल पेपर में जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उससे आइडिया लगता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके के सैंपल पेपर मार्केट में मिलते हैं, ले लीजिए और उनको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को अगर आप समझ गए तो उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए, उन्हीं को और स्टडी करते रहिए। तो इन्हीं 4 टिप्स का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन से वो 40 to 50% सिलेबस हैं जो आपको 70 to 80% मार्क्स देके जाएंगे इजीली, राइट। इसको करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो आप और भी सिलेबस करिए, राइट, और भी सिलेबस करिए, सो दैट कि आपके 100% मार्क्स आ जाए, जो कि इजीली आ सकते हैं, राइट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक का बटन तो जरूर हिट करके जाएं, और इस वीडियो को अपने तक ना रखें, अगर आपको यूजफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।